हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त HR कुशवाहा। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये देखिए, एट द स्कूल, टू द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल, इन द स्कूल, बाय द स्कूल, टुअर्ड द स्कूल, और उसके बाद ओवर द स्कूल एंड अक्रॉस द स्कूल एंड अबव द स्कूल। सब में स्कूल 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 आया है, और ये 5 मिनट के वीडियो में आप अंतर कर पाएंगे कि आखिर कहाँ पे एट द स्कूल होता है, कहाँ पे टू द स्कूल होता है, कहाँ पे फ्रॉम द स्कूल होता है। जरा अपन देख लेते हैं। चलो अपन एक पेज और ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक एक सेंटेंस लिखते जाएंगे। तो हमारा जो है पहला, सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो है हमारा क्या, चलो छोटा कर ले रहे थोड़ा, ये देखो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है वो दिया है एट द स्कूल। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं भैया। एट द स्कूल का मतलब होता है स्कूल में, स्कूल पर नहीं होता है। एट द स्कूल का मतलब होता है स्कूल में। अब कोई भी आदमी स्कूल में रहेगा तो स्कूल के ऊपर तो रहेगा नहीं, लेकिन चूंकि स्कूल बड़ा परिसर होता है, रूम्स भी होते हैं, प्लेग्राउंड भी होता है, लाइब्रेरी भी होती है, ऑफिस भी होता है, बहुत सारी जगह, और सबको हम क्या बोलेंगे, एट द स्कूल। तो देखिए एक सेंटेंस ले लेते हैं पहला, आई एम एट द स्कूल। भाई मैं कहाँ हूँ, मैं स्कूल में हूँ। कोई दिक्कत, आई एम एट द स्कूल क्या हो जाएगा, मैं स्कूल में हूँ, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलो दूसरा जो है, फिर लिखा है यहाँ पे कि टू द स्कूल। टू द स्कूल मतलब क्या होता है, स्कूल के लिए, ठीक है। अब देखो जरा, टू द स्कूल मतलब होता है स्कूल के लिए। जैसे ये देखो, टू द स्कूल, स्कूल के लिए, स्कूल को। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुम कहाँ जाते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। देखो बात बराबर है, मैं स्कूल को जा रहा हूँ या स्कूल जा रहा हूँ, बात बराबर है, ये कोई अलग बात नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला है फ्रॉम द स्कूल। फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से मतलब कोई भी चीज़ जब स्कूल से अलग करना है तो उस सेंस में हम लगाएंगे फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से कोई चीज़ अलग करना, या हम कहते हैं किसी भी स्थान से, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी से किताबें खरीदी या मैंने स्कूल से किताबें ली, तो वहाँ पे फ्रॉम द स्कूल आ जाएगा। या आप कहते हैं मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, वैसा तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉम का मतलब है वो है स्कूल से कोई चीज़ अलग करना। जैसे कि हम कहते हैं कि आई, नंबर थ्री, आई टुक सम बुक्स फ्रॉम द स्कूल। मैंने कुछ किताबें स्कूल से ली, मैंने किताबें ली। कहाँ से ली भाई, स्कूल से ली। मैंने इसलिए छोटा सा लिख दिया, मैंने स्कूल से किताबें ली, आई टुक बुक्स फ्रॉम द स्कूल, मैंने स्कूल से किताबें ली, कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है इन द स्कूल, इसका मतलब है स्कूल में। देख लेते हैं किस प्रकार से, स्कूल में। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि स्कूल में कोई कार्यक्रम है, तो वहां पे आप बोलेंगे इन द स्कूल। जैसे कि नंबर फोर, देर इज ए डिबेट कॉम्पिटिशन इन माई स्कूल, ठीक है। अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ कार्यक्रम है, देर इज अ डिबेट कॉम्पिटिशन इन माई स्कूल, अब ये थोड़ी होगा कि देर इज अ डिबेट कॉम्पिटिशन एट माई स्कूल, स्कूल के अंदर ही होगा ना, ये अंदर के सेंस में आएगा, ठीक है। अब मैं रहूंगा तो आई एम एट द स्कूल होगा, ठीक है।
लेकिन अगर कोई कंपटीशन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, तो क्या बोलेंगे, इन द स्कूल, इन द कॉलेज, ठीक है, इस टाइप से। तो देर इज अ कॉम्पिटिशन इन द स्कूल। चलो आगे देखते हैं, बाय द स्कूल। बाय द स्कूल का मतलब होता है दोस्तों स्कूल के आसपास से, ठीक है, जैसे कि स्कूल के पास से, स्कूल के आसपास से। आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल डेली। अरे यार ये मैं गड़बड़ कर देता हूँ, मैं उसको चेंज नहीं कर पाता, चलो कोई बात नहीं। आई गो टू स्कूल, चलो ठीक है, गलत लिख दिया थोड़ा सा। आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल, समझ में आया। आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल के पास से मार्केट जाता हूँ। आई गो टू माई फ्रेंड्स होम बाय माई स्कूल, मैं मतलब अपने स्कूल के आसपास से अपने दोस्त के पास जाता हूँ। तो जहाँ पे इस प्रकार का आता है बाय द स्कूल, इसका मतलब जैसे मैंने ये भी कह सकता हूँ कि आई गो टू मार्केट बाय द टेम्पल, ठीक है, तो मैं टेम्पल होकर जाता हूँ, टेम्पल के पास से जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का जो मतलब है वो पास होकर जाने के लिए हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, जैसे ये जो शब्द दिए हैं बाय, उसके बाद इन द स्कूल, उसके बाद फ्रॉम द स्कूल, उसके बाद टू स्कूल, और इसके बाद एट स्कूल, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, टुअर्ड द स्कूल। टुअर्ड द स्कूल का मतलब होता है की ओर। टुअर्ड द स्कूल का मतलब क्या होता है, की ओर, स्कूल की ओर, है ना। टुअर्ड द स्कूल का मतलब होता है स्कूल की तरफ, स्कूल की ओर, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि वह स्कूल की तरफ दौड़ा, वह स्कूल की तरफ दौड़ा, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल की तरफ दौड़ा। तो देखिए, ही रन टुअर्ड द स्कूल, ही रन टुअर्ड द स्कूल, वह स्कूल की तरफ दौड़ा, वह स्कूल की तरफ या स्कूल की ओर तरफ दौड़ा। गाना भी सुना होगा, तेरी ओर तेरी ओर, ठीक है, तेरी ओर है रब्बा, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है। देखे खींचे मुझे तेरी ओर है रब्बा, ठीक है। आगे देखते हैं, बड़ा सिंपल है, ओवर द स्कूल। अब आप सोच रहे होगे यार ओवर द स्कूल का मतलब ऊपर है, सर ने तो बताया था कभी दूसरे वीडियो में ओवर का मतलब ऊपर होता है। बिल्कुल सही समझा भाई, ओवर का स्कूल है, लेकिन ओवर अलग है यहाँ पे। यहाँ पे ओवर का जो मतलब बताने वाला है वो थोड़ा सा अलग, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे सारे वीडियो देखा करो, थोड़े बहुत वीडियो देखोगे तो अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, इसलिए कहोगे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आजकल एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि हम किसी की वीडियो को आधा काट के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, ठीक है। तो क्या है, पूरे स्कूल में, ठीक है, पूरे स्कूल में, इसका जैसे सेंटेंस बनाएं, ठीक है, कि मुझे पूरे स्कूल में जाना जाता है, अब मुझे पूरे स्कूल में लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि, जैसे आई एम नोन ओवर द स्कूल, इसका मतलब आई एम नोन ओवर द स्कूल, मुझे पूरे स्कूल में जाना जाता है, मुझे पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में जाना जाता है, ठीक है, आया मजा, कितना बढ़िया है। आई एम नोन ओवर द स्कूल, है ना। अब जैसे मान लो कोई आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, किसी को ज़्यादा आती, उसने ऐसा बोला तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, तो क्या है, आई एम नोन ओवर द स्कूल, मुझे पूरे स्कूल में जाना जाता है, ठीक है। चलो वन मोर, नेक्स्ट वन, अक्रॉस द स्कूल। अब स्कूल के आर पार हो रहा है तो अक्रॉस द स्कूल, तो क्या है, थोड़ी कि स्कूल के आर पार आपको जाना जाता है, इसका मतलब ये है कि मुझे स्कूल के बाहर भी जाना जाता है, मुझे स्कूल के बाहर भी जाना जाता है भाई, सिर्फ मुझे स्कूल स्कूल में नहीं जाना जाता, मुझे स्कूल के बाहर तक जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि सिर्फ ये मत समझो कि मुझे स्कूल में ही जानते हैं, मुझे स्कूल के बाहर भी लोग जानते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं मान लो कोई ऐसे फेमस टीचर आ जाते हैं हमारे स्कूल में तो उनकी पहचान काफ़ी होती है, तो हम ये बोल सकते हैं ही इज़ नोन अक्रॉस
अक्रॉस द स्कूल, ही इज नोन अक्रॉस द स्कूल, मतलब स्कूल के बाहर तक, स्कूल के बाहर तक जाना जाता है उसको, ही इज नोन अक्रॉस द स्कूल, उनको तो स्कूल के बाहर तक जाना जाता है, समझ में आया, स्कूल के बाहर तक। चलो जल्दी से लास्ट वन और देख लेते हैं, अबव द स्कूल। अब आप सोच रहे होगे अबव द स्कूल क्या स्कूल के ऊपर है? नहीं भैया, स्कूल के ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि अबव द स्कूल मतलब स्कूल के ऊपर बैठा है कहीं छुप के स्कूल के ऊपर, नहीं नहीं अबव द स्कूल का यहाँ जो मतलब है वो ये है स्कूल से ऊपर, क्या है, स्कूल से ऊपर या स्कूल से बढ़कर, या स्कूल से ऊपर या स्कूल से बढ़कर। मैं कहूँ कि तुम स्कूल से बढ़कर नहीं हो, आपने कहा नहीं मैं तो मेरे नियम चलाऊंगा स्कूल में, स्कूल स्कूल कुछ नहीं, जो मैं कहूँगा वो होगा, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, नो यू आर नॉट अबव द स्कूल, तुम स्कूल से बढ़कर नहीं हो, आओ तो आप स्कूल के अंदर ही, कोई भी टीचर, यू आर नॉट अबव द स्कूल, भाई हम कह सकते हैं स्कूल से बढ़कर, स्कूल से बढ़कर, ठीक है ठीक है, यू आर नॉट, चलो मैंने वही लिखा है, मैंने थोड़ा आधा आधा लिखा है अस्पष्ट टाइप से, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो की एक बात होती है कि हम कभी भी उसे देख सकते हैं। तो यू आर नॉट अबव द स्कूल, एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं, अब आपकी इच्छा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एट द स्कूल, स्कूल पर, एग्जाम्पल जैसे कि आई एम एट द स्कूल, ठीक है, ही इज एट द स्कूल, सी इज एट द स्कूल, टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द स्कूल, आई टुक दिस यूनिफॉर्म फ्रॉम स्कूल, ठीक है, कोई स्कूल से अलग करना कोई चीज, इन द स्कूल, देर इज अ प्रोग्राम इन द स्कूल, देर इज अ कॉम्पिटिशन इन द स्कूल, सोशल गैदरिंग इन द स्कूल, ठीक है, या एन एनुअल फंक्शन इन द स्कूल, ठीक है। बाय द स्कूल, स्कूल के पास, आई गो टू मार्केट बाय द स्कूल, ठीक है, देर इज अ टेम्पल बाय द स्कूल, एक मंदिर है स्कूल के पास, ठीक है। टुवर्ड द स्कूल, स्कूल की तरफ, ही रन टुवर्ड द स्कूल, अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट रन टुवर्ड द स्कूल, ठीक है। ओवर द स्कूल, यू आर, ठीक है, जैसे कि आई एम नोन ओवर द स्कूल, ठीक है, ही इज फेमस ओवर द स्कूल, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस द स्कूल, ही इज नॉट ओनली फेमस इन स्कूल बट अक्रॉस द स्कूल, ठीक है, बट ऑल्सो अक्रॉस द स्कूल, वह सिर्फ स्कूल में प्रसिद्ध नहीं है बल्कि स्कूल के बाहर भी, बट ऑल्सो अक्रॉस द स्कूल, ही इज नॉट ओनली नोन इन स्कूल, ही इज नॉट ओनली नोन ओवर द स्कूल बट ऑल्सो अक्रॉस द स्कूल, ठीक है। चलो आगे है अबव द स्कूल, स्कूल से बढ़कर, Nobody is above the school. Nobody is here above the school. यहाँ पे कोई भी स्कूल से बढ़कर नहीं है, सभी उसके अंदर समाहित हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, और तीन प्लेटफॉर्म पर मैं वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब पर स्मार्ट एजुकेशन GDR पर, और फेसबुक पर हरि कुशवाहा करके मेरा एक फेसबुक पेज है, और इंस्टाग्राम पर hari.kushwaha54। इस प्रकार से मैं तीन जगह वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि सभी मज़े मज़े में सीखें। मुझे पता है बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन शिक्षक हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, हो सकता है आपको मैं पसंद आ जाऊँ, इसलिए मैं भी आपके साथ पढ़ता रहता हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ और आप भी सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच।